अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातु। आप लोगों का बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। एक लौंग अपने तकिए के नीचे दबा दें और आपकी मोहब्बत होगी हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। दोस्तों, अगर आपकी मोहब्बत आपसे दूर है, अगर आपकी कोई ऐसी मोहब्बत है जिसे आप चाहते हैं लेकिन उन्हें उस बारे में बिल्कुल नहीं पता और आप उन्हें बताने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन आप उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आ जाएं, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए आपकी मोहब्बत आपको चाहने लग जाएगी, वो आपकी बाहों में होगी और हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं जा पाएगी। अगर आप भी किसी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी से कभी भी दूर ना जाए, तो आप इस अमल को जरूर करके देखें। इस अमल के करते ही आपको मिलेगी आपकी मोहब्बत। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मोहब्बत हमारे करीब होती है लेकिन हमसे उनकी बातचीत नहीं होती। किसी भी मसले को लेकर आपस में झगड़े हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, लेकिन जो हालात हैं वो इतने मुश्किल होते हैं कि चाहते हुए भी हम अपनी मोहब्बत से बात नहीं कर पाते। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी परेशानियां चल रही हैं, तो आप इस अमल को कर सकते हैं क्योंकि ये बेहद आसान है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 लौंग लेनी है, लौंग जो कि आपको मिल जाएगी अपने किचन में। जाकर 2 लौंग ले आइए और उसके बाद अकेले में कहीं पर बैठ जाइए, कोई ऐसा कमरा जिसमें कोई भी आपके अलावा ना हो। ध्यान रखें इस बात का कि किसी भी अमल को करने के लिए अकेलापन बेहद जरूरी है। आसपास अगर कोई बैठा हुआ है, अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस अमल को उस समय ना करें। इस अमल को सिर्फ उसी वक्त करें जब आप अकेले में हो। दिन में या रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दिन के मामले में आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को करने की इजाजत पाने के लिए आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मकसद है वो जायज होना चाहिए, यानी कि जिसे भी आप चाहते हैं, जिस मोहब्बत को पाना चाहते हैं, वो जायज होनी चाहिए। अब आपको इस अमल को करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अकेले में बैठ जाना है और उसके बाद अपने हाथ में 2 लौंग ले लेनी है। अपनी मोहब्बत का नाम लेते हुए आपको लौंग पर दम करना है। नाम आपको लेना है सिर्फ 11 मरतबा। 11 मरतबा बोलकर बिस्मिल्ला करें और उसके बाद लौंग पर दम कर दें। उसके बाद आपको पढ़नी है दुरूदे पाक। दुरूदे पाक 3 मरतबा पढ़ें और बाद में बोलें अल मुजीदू। अल मुजीबू बोलने के बाद आपको मोहब्बत का नाम फिर से लेना है 11 मरतबा और लौंग पर दम कर देना है, और अंत में दुरूदे पाक दोबारा पढ़नी है 3 मरतबा। इस तरह से ये अमल पूरा होगा और इस अमल को करते ही आपकी मोहब्बत आपके पास वापस आ जाएगी। आपकी मोहब्बत आपके पास दौड़ी चली आएगी, चाहे उन्होंने आपको अपने फोन में ब्लॉक कर दिया हो, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया हो या फिर कॉल्स में भी ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन तब भी सिर्फ इस एक अमल से आपकी मोहब्बत के मन में आपके लिए फिर से चाहत और मोहब्बत जाग उठेगी, वो आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी। दोस्तों, अगर आप इस अमल को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई मुश्किलात आ रही है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके मौलाना जी से बात कर सकते हैं, मौलाना जी आपके लिए इस अमल को कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। शब्बा खैर।